भाई 15 दिन हुए पहले मैंने इसमें सर्विस कराई थी और फिर से दोबारा काम निकल आया। भाई 15 दिन नहीं, 2 महीने हुआ काम कराया हुआ आपको। फिर से वायरिंग का इशू आ गया। आपने लास्ट टाइम इसमें वायरिंग कब करी थी भाई? याद नहीं है राज भाई कब करी थी। तो आज भी कई हमारे ऐसे मैकेनिक भाई हैं जो कि कस्टमर के सर्विस का रिकॉर्ड पूरा रजिस्टर में इस तरह मेंटेन रखते हैं जो कि सर्च करना काफी मुश्किल रहता है। तो आप लोगों के साथ भी यही चीजें डेली होती होंगी। ये सिर्फ मैकेनिक भाइयों के लिए है। जो हमारे मैकेनिक भाई हैं डेली ऐसा ही होता है कि कस्टमर आता है कि लास्ट टाइम मैंने बाइक इस टाइम रिस्टोर कराई थी, आपने ये टाइम कब किया था, बहुत सी चीजें तो आप याद नहीं कर सकते। तो बहुत ही इजी एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है एम कनेक्ट, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। डिटेल के लिए मैं आगे पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिक भाइयों को प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में एम कनेक्ट एप्लीकेशन सर्च करनी है, डाउनलोड करना है। ओपन करते ही आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे ही डालेंगे मोबाइल का तो वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद फिल कर लिएगा और न्यू जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको कुछ फ्री जॉब कार्ड्स मिल रहा है जहाँ पे आप एड व्हीकल के ऑप्शन में जाकर के कस्टमर की डिटेल पूरी मेंटेन कर सकते हैं, उसका बायोडाटा। तो फोटो का ऑप्शन है, आप यहाँ से फोटो ऐड कर सकते हैं नंबर के साथ। फिर बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। आप जो भी बाइक की सर्विस कर रहे हैं आप उसका नंबर डाल के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हीकल का ब्रांड मांगेगा। यहाँ पे मैं यामाहा सेलेक्ट कर रहा हूँ, यामाहा में क्रक्स आर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बाइक सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप रिस्टोर कर रहे हैं या जो भी सर्विस कर रहे हैं। और उसके बाद आपसे मांगेगा यहाँ पे कस्टमर का नाम, तो आप अपनी लिस्ट में भी देख सकते हैं अगर नंबर सेव है, वरना आप अलग से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गगन रस्तोगी जी का नंबर यहाँ पे टाइप करा है। और इसी तरह आप कस्टमर का नंबर, मोबाइल नंबर, वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल दे सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में अगर आप उनको बिल शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और आपके पास रिकॉर्ड में भी रहेगा, अगर आप उसको दोबारा सर्विस करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं डेट के हिसाब से। और इसके बाद ये एड्रेस जहां उनकी लोकेशन है, भोपाल मध्य प्रदेश के थे तो मैंने वो डाल दिया। आप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो काम किया है आप वहां जाकर के टिक लगा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क का काम हुआ है, क्लच का काम हुआ है। और रिमार्क में आपको जो भी लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट सर्विस मुझे जनवरी की 23 तारीख को अगली करनी है और एडवांस कितना मिला है, तो उसके बारे में डिटेल पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जॉब कार्ड तैयार रख सकते हैं। तो यानी पूरा कस्टमर का डेटा इसमें रिकॉर्ड में मेंटेन रहेगा और आप इसको शेयर भी कस्टमर से कर सकते हैं। मैकेनिक भाई जो इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करेंगे तो उनको कुछ फ्री में जॉब कार्ड्स मिलेंगे, जिस जॉब कार्ड्स का यूज आप कस्टमर का डेटा मेंटेन करने में कर सकते हैं। तो फ्री जॉब कार्ड्स खत्म होने के बाद आपको पर जॉब कार्ड के लिए 1 रुपीज चार्ज होगा। टोटल आपको 99 का रिचार्ज आएगा, जो आपका टॉपअप आएगा उसको आपको 99 का रिचार्ज करना पड़ेगा। 99 रिचार्ज में आपको 99 जॉब कार्ड्स मिलेंगे। तो पर जॉब कार्ड के 1 रुपए चार्ज है, उसमें आप 99 बाइक का पूरा डेटा मेंटेन रख सकते हैं। 1 रुपए सिर्फ इसलिए चार्ज आप पे किया जा रहा है जिससे आप कस्टमर को नेक्स्ट सर्विस रिमाइंडर आप भेज सकते हैं, जिससे आप कस्टमर की नेक्स्ट बाइक की सर्विस कब होनी है वो याद रख सकते हैं। आप इसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर को व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में पूरा बिल भी भेज सकते हैं जिसमें आपका शॉप का लोगो और नाम साथ में आएगा। तो आने वाले टाइम इस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे मैकेनिक भाई को जो नियर बाय के कस्टमर है वो भी मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।